ये रोड में मिलते ही रहेंगे, कुछ नया नहीं है। मैं उसे मिडिल फिंगर दिखा रहा हूँ, तेरा दोस्त कैसे हो जाएगा। डॉन डॉन डॉन, कैसे हो, कब आए आप? आप सभी को, आपके सभी घर वालों को बहुत सारी ढेर ढेर शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। पूरा हमारा होम टाउन है श्रीनगर गढ़वाल। यहाँ से देखो कितना अच्छा लग रहा है। अरे भैया कैसन बा, इच्छो है 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 है, इच्छो बॉय है 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 है, इच्छो बॉय हनी बॉय। क्या हरकतें होती है यार, है 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 है। भाई भाई सब पागल हो गए क्या आज, है है। हाँ ये भी चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अभी हम चलेंगे अपने अपनी अपनी एक मित्र से, है है। भैया सब पागल हो गए। यहीं पे बगल में ही एक, बगल में यहाँ, बगल में नहीं आगे, बगल में मतलब थोड़ा बगल में एक हमारी मित्र रुकी हुई है, तो उनसे हम मिलने के लिए जा रहे हैं। मुझे जुकाम भी हो रखा है, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा सेक्सी हो जाती है जुकाम में। डू यू गाइस एग्री कि जब आपको कोल्ड होता है तो आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव हो जाती है, क्यों मेरे दोस्त? खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है, कहाँ है वो, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे वो कुछ रस्में निभा रही है। हैं, दिख नहीं रही है, रुको मुझे तो नहीं दिख रही इधर, वो बोल तो रही थी यहीं पे है कहीं, रुको उनके लिए वेट करना पड़ेगा मुझे आई थिंक। इधर ही आना पड़ेगा। देखो लड़की को रोड क्रॉस कराना आपकी जिम्मेदारी होती है, तो इनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ वैसे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, नहीं होगा आज, आज नहीं आती, आज नहीं, वही रहो। बेड लगाओ, बेड सो जाओ वहीं आराम से। हेलो, मैं बोल रहा बेड लगाओ वहाँ पे आराम से। अरे नहीं यार, अब दिन में हो गया ना, अगर सुबह होता तो मैं लेके आ जाता होता है, पहले ही हो गया काम। 25 सनबर्न, टैनिंग से बचना है क्या? वहाँ जा रहे हो वैसे आफ्टर कॉलेज, ऊपर जा रहे हो? आजकल ठंडा भी हो रहा है यार बहुत। ये ऐसे आते रहते हैं कई बार, ये रोड में मिलते ही रहेंगे, कुछ नया नहीं है। कौन वो? नहीं तो मेरा दोस्त, मेरा कैसे होगा वो दोस्त? मैं उसे मिडिल फिंगर दिखा रहा हूँ, तेरा दोस्त कैसे हो जाएगा? ऐसे लोग एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। उतरो, पेट्रोल पर आना है, उतर भी रहे हो, अरे आगे होता है। नहीं नहीं अभी कितने ऊपर जाना है यार, वो एंड पे दिख रहा है उससे भी आगे बहुत, बुगाड़ी, बुगाड़ी गाँव है ना 15 किलोमीटर, वहीं उसी साइड है बस। हाँ हाय राम, जय श्री राम। क्या करे, चलो अब ऊपर। यहाँ पे एक दो कैफे और, मतलब हाँ शायद दो खुल रखे हैं मुझे जहाँ तक लग रहा है, एक तो अच्छा खुल रखा है ये वाला, द सिटी व्यू, अच्छा है वैसे। हाँ हाँ यही तो है, मैं तो वैसे रुक रखा हूँ मैं देखने के लिए कि हाँ यही है ना, आफ्टर कॉलेज दिस वे, हाँ यही है, यही है, कंफर्म हो गया। चलो 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 आराम आराम से। ठीक यार, ये ऐसे रास्ते बेकार लगते हैं, कुछ टाइम ये भी बन जाएगा, काम तो चल रहा है। और ये देखना जिसकी ये बाइक है ना वो ही मिलेगा अभी मुझे, और देखो वही है वो मोहित, क्या गौर से देखो, ये पीरियोडिक टेबल नहीं है, ये मेन्यू है।
कितना सही लग रहा है यार ये डेविल्स मोमो। ये देखो ये है पूरा का पूरा एरिया, कितना सही लग रहा है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले थोड़ा अजीब था पर टेस्ट तो अच्छा था पहले भी। और ये देखो अभी ये पूरा झूले वगैरह बनेंगे अच्छे से, तो बस यहीं पे आना था फिलहाल। और इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है यार यहाँ का। कैसा लगा बताओ बताओ बताओ, नीचे कमेंट करो जल्दी बताओ। नाम भी अच्छा रखा हुआ इन्होंने आफ्टर कॉलेज। और ये देखो इंटीरियर, जैसा मैं बता रहा था इंटीरियर कितना सही है यहाँ का। इंटीरियर कैसा है? ठीक है। और नाइस रोल भी आ चुका है, तो भैया ने स्पेशली बोला कि रोल ट्राई करना। आई थिंक ये अच्छा तो होगा ही, वरना ऐसे नहीं दूंगा। अभी यहाँ पे म्यूजिक चलेगा। एक गाना भी प्लीज प्लीज, एक गाना भी साथ में। एक गाना ना, एक गाना। गाना? हाँ। तबला भी बजाओ ना। अरे ऐसे गाओ। अच्छा रुको। तो यार तो आवाज आ ही नहीं रही है। ऐसे जाएगी? लो यार रुको। अब गाओ। सारी जान। यहाँ देखो कोट्स कितने अच्छे अच्छे लिखे हैं। आपकी चाय में शक्कर डालूं? मैंने दिल लगाया था वो चूना लगा गई। ये छोड़ो, मेरे सपनों की बिरयानी कब आएगी तू? सबसे बेस्ट हो। और ये देखो जिंदगी में रोमांच चाहिए तो अंदर आई है। तो ये देखो यहाँ पर था आफ्टर कॉलेज, और अभी हम दोनों यहाँ से आ तो गए। कैसा लगा? सही था? कुछ समझ नहीं आया पर ठीक है, बस सही था। वैसे ट्राई करने के लिए अच्छा है, जगह अच्छी है बैठने बूटने के लिए, वो सब चीज़ें वाइब अच्छी है। ओके बाय। तो यार इनसे ही मिली हमें, और ये हमारा पहला मीटअप था। अब इनकी एक खास बात बताता हूँ, ये BGMI की बहुत ही भयंकर प्लेयर है भाई। डॉन 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 हांटी डॉन। तो बस आज हम दोनों ऐसे ही किसी कैफे में गए थे। कैसे हो? कब आए आप? तो 2-4 दिन हो गए। अच्छा यही हो गया आपका? अच्छा तो ये मेरी दीदी थी, और इनका जो ट्रांसफ़र है वो इधर ही हो गया है फिर से। इनसे भी मैं कुछ टाइम पहले मिला तो था। मुझे कहाँ जाना था यार अब? और ये देखो कैफे से तो मैं आ गया था, अभी मैं आ रहा हूँ चाचा लोग यहाँ। शाम को थी दिवाली, दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए चाचा लोग यहाँ आया, मेरा भाई भी आ रहा था। तो आज हम यहीं पे डिनर वगैरह करेंगे। मम्मी नीचे ही रुक रही है घर में, मम्मी को भी आना था। पर आपको मैं यहाँ से श्रीनगर गढ़वाल का नज़ारा दिखाता हूँ, जो मेरे चाचा के घर से नज़ारा आता है, बहुत ही सुंदर यार। और ये देखो यहाँ पर हमारा अभी डिनर होगा। बाकी ये हमारा पूरा होम टाउन है देखो, श्रीनगर गढ़वाल। अभी टाइम हुआ नहीं है वैसे, अभी तो 7 या 8 ही बज रहे हैं, तो इतने ज़्यादा अभी पटाखे भी नज़र नहीं आएंगे आपको, ठीक है। और हम लोग बिना किसी देरी के पहले तो डिनर करेंगे, उसके बाद हम पटाखे वगैरह फोड़ेंगे। वैसे फोड़ने तो नहीं चाहिए पर सेलिब्रेट भी करना ही पड़ेगा ना। और यार देखो डिनर करते करते मुझे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ याद आई। मैं आप लोगों से बोलना भूल गया कि हैप्पी दिवाली पहले तो आप सभी को जितने भी हो, और यहाँ पे सबके सब जो मेरे भाई बहन है वो सबके साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, बम पटाखे फोड़ने पे लगे हुए हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा माइक वगैरह और वो सेटअप करने के लिए आया था, क्या स्पीकर वगैरह, ताकि हम थोड़ा एंजॉय कर सके। ये पूरा श्रीनगर हमारे पीछे, और अब जो बारी है वो पटाखे फोड़ने की, और मैं तो नहीं फोड़ूंगा, मेरा छोटा भाई जो है चाचा का लड़का वो फोड़ेगा पटाखे, क्योंकि मैंने तो बहुत पहले छोड़ दिए थे पटाखे वगैरह फोड़ने के लिए। गलत बात है वैसे, पर क्या करें, अब छोटे हैं तो थोड़ा एन्जॉयमेंट तो बनती है। और मेरी बहन पीछे से चिल्लाने पे लगी है, कहीं अंधेरे में है वो, मुझे खुद नहीं दिख रही है पर कहीं से आवाज़ आ रही है सिर्फ उसके। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाचा चाची जितने भी हम सब के सब, राजा जो हमारा छोटा भाई है वो सेलिब्रेट करेगा पटाखे वगैरह फोड़ के। हम थोड़ा ऐसे ही टहलेंगे, लोगों को देखेंगे। वैसे तो मुझे ड्रोन भी उड़ाना था पर आई थिंक घर जाके उड़ाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि घर में ही छोड़ रखा है मैंने ड्रोन।
अब मैं थोड़ा म्यूज़िक वगैरह सेटअप करता हूँ पूरा, क्योंकि वो सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। और आप सभी को, आपके सभी घर वालों को बहुत सारी ढेर ढेर शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली आप सभी को। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि घर वालों पे भी और आप पे भी खूब पैसा हो, एट द एंड सारी चीज़ें पैसों पे आके टिकती है, ये मैंने बहुत जल्दी जान लिया है, ठीक है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप सबके सब लोग बहुत पैसा कमाओ, दिवाली क्या हर दिन कमाओ और अच्छा रहे, गुड। और हम भी एंजॉय करेंगे ज़्यादा, क्योंकि मैं दिवाली में इतना ज़्यादा मैं दिखा नहीं रहा हूँ। अब हम जाएंगे एंजॉय करेंगे अपने घर वालों के साथ, आप लोग भी एंजॉय करिएगा, ठीक है। देखो अभी ये छोटा है तो इन्हें काफ़ी मज़ा आता है, अगर एज के साथ साथ जब बड़े होंगे तो ये भी बोलेंगे छोड़ो क्या जलाना है ना। और देखो सीधे यहाँ उड़ के आ रहा हम पे, ये आप रंगोली देख रहे हो, ये टैलेंटेड काम इस बहन ने कर रखा है, यहाँ देखो चिम्मी ने। और अब हमारे घर जाने का टाइम आ चुका है, हम चलेंगे नीचे मम्मी पास। तो यार देखो मैं घर आ गया था अपने और मैंने ड्रोन का शॉट भी ले लिया, ये जो पूरा हमारा होम टाउन है श्रीनगर गढ़वाल, यहाँ से देखो कितना अच्छा लग रहा है। मतलब दिवाली का एक दिन होता है जब यहाँ की सुंदरता अलग ही चमक के आती है। वैसे दिवाली के दिन पे जो भी आपका होम टाउन होगा सारे के सारे अच्छे लगते होंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते होंगे, बट जो मेरा होम टाउन है मैं तो उसी ये बात करूँगा ना, मुझे पता है आपका होम टाउन ही बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग शेयर कर सकते हो तो यार करो शेयर अपना होम टाउन के बारे में थोड़ा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, जो करना चाहो करो, शेयर पक्का करते रहना, इंस्टाग्राम में टैग करना। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड पीस आउट।